इस पूरे के पूरे लॉस सैंटोस पे अब सिर्फ विलगेक्स का राज होगा। लॉस सैंटोस वालों भागो, कोई एवेंजर तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, सबको खत्म कर दूंगा। अरे तुम देख रहे हो ना, ये विलगेक्स के बच्चे ने पूरे के पूरे लॉस सैंटोस पे हमला कर दिया है। पूरा का पूरा लॉस सैंटोस खराब हो चुका है, हर जगह बस आग धमाके ये वो सब। हम सब ने तो ट्राई कर लिया, हमारे से तो कुछ नहीं हुआ। अगर किसी के पास कुछ प्लान है तो बताओ। मेरे को लगता है हमें फ्रैंकलिन को बुलाना चाहिए, वो यार लकी बॉक्स खुलवा के कुछ कर सकते हैं। आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, रुको मैं फ्रैंकलिन को फोन करता हूँ। हेलो फ्रैंकलिन। अबे यार किसका फोन आ रहा है, सोने भी नहीं देते। हाँ आयरन मैन बोल। हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है, फटाफट से कोई से भी खतरनाक से लकी बॉक्स लाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है वरना लॉस सैंटोस तबाह हो जाएगा। अच्छा ठीक है मैं समझ गया, तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। अरे मैंने आयरन मैन को बोल तो दिया मैं लकी बॉक्स ला दूंगा, पर मैं लाऊंगा कहाँ से लकी बॉक्स यार, मैं कहाँ से लूं और कौन से लेके जाऊं, मुझे तो कुछ नहीं पता। रुको शिनचैन को बुलाना चाहिए। शिनचैन, और शिनचैन कहाँ पे है? शिनचैन अपन को कैसे भी करके यार बहुत ही खतरनाक वाले लकी बॉक्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि एवेंजर्स को जरूरत है वरना लॉस सैंटोस खतरे में चला जाएगा। एनीवे की मेरे पास एक आईडिया है। क्या आईडिया है? एनीवे की मेरा एक दोस्त है, वो हमें लकी बॉक्स दे देगा। कौन सा दोस्त है? एनीवे की बेन 10। अच्छा तू फटाफट से लकी बॉक्स मंगवा दे, मैं कपड़े पहन के आता हूँ। तो गाइस यार अभी मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। शिनचैन लकी बॉक्स क्या हुआ? एनीवे की मैंने बात कर ली, वो बोला उसने एवेंजर्स हाउस भिजवा देगा। है सही में शिनचैन? एनीवे की भी है। तो चलो यार फिर चलते हैं, आजा फटाफट से अपन चलते हैं। तो गाइस यार अभी यार शिनचैन ने लकी बॉक्स का सारा का सारा इंतजाम करवा दिया, वो भी बेन 10 से। तो आज हम खोलने वाले बेन 10 के लकी बॉक्सेस, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो फटाफट चलते हैं अपन एवेंजर्स हाउस, बहुत ही मजा आने वाला है। तो गाइस यार हम आ चुके हैं आज की क्लास में, और आज हम खोलने जा रहे हैं एवेंजर्स के साथ बेन 10 के लकी बॉक्सेस। तो सभी के सभी तैयार है और मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ, और ये बैट इसलिए लाए क्योंकि इन्होंने बोला है आज इनको बिल्कुल ढंग से पढ़ाना है। और ये देखो भाई कितनी सारी बुकें लेके आए भाई, सारे के सारे एवेंजर्स। अरे भाई ऐसा तो पता नहीं कौन सा यार दुश्मन आ चुका लॉस सैंटोस में इनका। अरे फ्रैंकलिन क्या तुम विलगेक्स को जानते हो? अरे हाँ हाँ वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे हाँ उसने पूरे के पूरे लॉस सैंटोस पर कब्जा कर लिया है। है सही में? अरे हाँ यार तभी तो हम तुमको हमने बुलाया था। अच्छा अच्छा फिर तो सही यार, बेन 10 के लकी बॉक्सेस तो उसके लिए सही रहेंगे। शिनचैन वैसे तू एक भी बुक क्यों नहीं लेके आया? एनीवे की मुझे तो नहीं पता था, मैं तो आपके साथ आया हूँ। अच्छा हाँ वो भी है। तो गाइस यार अब यार अपने सारे के सारे बेन 10 के लकी बॉक्सेस तैयार है, सारे के सारे एवेंजर्स भी तैयार है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे WWW की फुल फॉर्म बताओ। मैं बताना चाहूंगा। हाँ समोसे वाले भैया बताओ। समोसे वाला नहीं, मैं हूँ कैप्टन अमेरिका। मैं बताता हूँ उसका आंसर, WWW का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। तो आज का सबसे पहला सही आंसर दे दिया समोसे वाले भैया ने, और ये खोलने वाले बेन 10 का लकी बॉक्स। देखते हैं इनको क्या ही मिलता है, और ये लकी बॉक्स इन्होंने खोलना शुरू कर दिया है। अरे तो ये कमजोर लोगों से खुलता भी नहीं, और इन्होंने खोल दिया, और ये क्या कैप्टन अमेरिका बन चुका है अल्ट्राटी, और ये कितना ज्यादा खतरनाक है। देखो भाई यार ये जमीन के अंदर जा चुका है, और इसकी पावर्स भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई, कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है ये। गाइस यार फटाफट जाके कमेंट बताओ आपको बेन 10 में सबसे ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर कौन सा लगता है। तो चलो अपन चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे बताओ डाइस का शेप क्या होता है? एनीफिकी में डाइस क्या होता है? अरे डाइस मतलब जिसे लूडो खेलते हैं उसका शेप क्या होता है? अरे बाबा मैं बताऊंगा। हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बताओ। जिससे हम लूडो खेलते हैं उसका साइज होता है, शेप होता है क्यूब। तो आज का दूसरा बेन 10 का लकी बॉक्स खोलने वाले हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज, देखते हैं क्या मिलता है। और एक ही बारी में लकी बॉक्स खोला, और ये क्या? ओ भाई साहब ये तो बहुत ही बढ़िया है, इसको तो यार क्रोम स्टोन मिल गया यार। ये मेरा यार मतलब वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर था बेन 10 में। गाइस आपको क्रोम स्टोन कैसा लगता है फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। इसकी शक्तियां तो वैसे ही बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, और भी देख सकते हो भाई ये क्या कर रहा है भाई, पूरे ये पूरे यार फैन उठा उठा के फेंक रहा है, मतलब जो विंड मिल होते हैं ना वो उठा उठा के गाड़ियों के ऊपर फेंक रहा है। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या ही पावर्स है इसकी भाई। ओ भाई साहब क्या ही कार को मारे जा रहा है। अगर ऐसे यार बेन 10 के इनको कैरेक्टर्स मिलते रहे फिर तो ये विलगेक्स को आराम से हरा देंगे। अरे चलते मुझसे भी क्वेश्चन पूछो, मुझे भी खतरनाक कैरेक्टर बनना है। अरे हाँ हल्क मैं पूछ ही रहा हूँ भाई, तुमको आंसर नहीं आते मैं क्या करूँ, इन दो को तो आते थे तो इन्होंने बता दिया सबसे पहले इनको मिल चुके हैं। तो चलो यार मुझे कौन बताएगा कि एक सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं? सर 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 ये तो मैं बताना चाहूंगा। हाँ बताओ स्पाइडरमैन। सर एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। तो गाइस यार अभी स्पाइडरमैन ने दे दिया बिल्कुल सही जवाब, और इसको मौका मिलने वाला है बेन 10 का लकी बॉक्स खोलने का। सर बेन 10 मेरा सबसे फेवरेट कार्टून है, रुको भी खोलता हूँ। ये ले
भाई साहब भाई ब्रेन स्टॉर्म तो काइजर अभी यार स्पाइडरमैन को मिल गया ब्रेन स्टॉर्म भाई, ये तो बहुत ज्यादा ओपी कैरेक्टर है, ये तो यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो काइजर आप यार कमेंट में जाकर सारे के सारे कैरेक्टर के नाम लिख दो जो भी आपको पसंद है और उसके आगे ओपी लिख देना, फिर हम देखेंगे यार कौन सबसे ज्यादा कैरेक्टर सबको कौन सा पसंद है। तो देख सकते हो भाई क्या ही खतरनाक बिजली बिजली फेंके जा रहा है, ये ब्रेन स्टॉर्म तो मुझे बहुत ही ज्यादा मस्त लगता है। और ये स्पाइडरमैन को मिला है, स्पाइडरमैन ने ब्रेन तो नहीं है पर अच्छा है चलो अब तो इसको यार ब्रेन भी मिल जाएगा। यार कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है ये, इसकी पावर्स देखो भाई कैसे सबको मारे जा रहा है, यहाँ पे पुलिस वालों की मदद कर रहा है, पहली बार स्पाइडरमैन ने कुछ अच्छा काम किया, दिमाग वाला काम किया क्योंकि अभी दिमाग ही अभी आया उसमें। एनीवे की भाई ब्रेन स्टॉर्म तो मुझे चाहिए था यार, मुझे क्या मिलेगा? अभी पक्का तो नहीं तुझे कोई कैरेक्टर मिले, पता चले कोई गाड़ी कुछ ऐसा कुछ मिल गया था? चलो उसको छोड़ो अपन चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे बताओ एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? बताऊंगा इसका आंसर है 3600 सेकंड्स। बिल्कुल सही जवाब, तो आयरन मैन ने दे दिया बिल्कुल सही जवाब, एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो आओ आयरन मैन खोल लो बेंटन का लकी बॉक्स, देखते हैं इसे क्या मिलने वाला है। और इसने खोल लिया और भाई साहब मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे जो जो कैरेक्टर पसंद है वो सारे के सारे इधर आ जा रहे हैं। तो गाइस क्या आपको इसका नाम पता है मुझे फटाफट से कमेंट में बता दो, मतलब मुझे तो पता है, देखते हैं किस किस को यार इसका नाम पता है फटाफट से मुझे कमेंट बता दो। ये तो मेरा यार बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, ऑलरेडी आयरन मैन को मिल चुका भाई, क्या ही मारे जा रहा है, इसकी शक्ति तो आपको पता ही भाई क्या क्या तगड़ी तगड़ी होती है, मतलब सबको बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर मिलते जा रहे हैं, अब सिर्फ हल्क और शिनचैन बचे हैं। अबे जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दो फिर मैं भी लकी बॉक्स खोलूंगा। तो चलो यार अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे बताओ इस पूरे अर्थ पे सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? हल्क बताएगा, हल्क वहां से पार्सल भी मंगाता है, उसका नाम है अमेज़न रिवर। बिल्कुल सही जवाब, तो अभी यार हल्क भैया अपने खोलने वाले लकी बॉक्स, देखते हैं क्या मिलता है। ओ भाई साहब एक सेकंड, ये कौन सा कैरेक्टर है? मैं ऐसे वो भाई साहब बोल रहा था, मतलब खतरनाक सा लग रहा है पर मुझे पता नहीं कौन सा गाइजर, अगर आपको इस कैरेक्टर का नाम पता है तो मुझे फटाफट से कमेंट में बता दो, ये तो मैंने कभी देखा नहीं, मतलब अजीब सा कुछ कैरेक्टर है भाई, पर मतलब पावर्स उसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पर हल्क को मिला है तो अच्छा ही होगा। अरे यार मुझे तो फोरआर्म से ही था वो सबसे खतरनाक कैरेक्टर है, पर कोई बात नहीं मैं इससे भी काम चला लूंगा, सबको मारूंगा। क्यों भी शिनचैन तू पढ़ाई वढ़ाई नहीं करके आया था क्या? सबके देख भाई सबको यार सबने लकी बॉक्स खोल लिया पर तू नहीं खोला है। एनीवे की मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, अपन दोनों तो साथ में तो सो रहे थे। अरे हाँ वो भी यार शिनचैन और मैं तो आराम से सो रहे थे, आयरन मैन ने बुला लिया था। चल ठीक है तूने पढ़ाई नहीं करी तो कोई बात नहीं आ जा लकी बॉक्स खोल लेते हैं। तो गाइस यार अब यार शिनचैन खोल रहा है लकी बॉक्स, देखते हैं इसको क्या मिलने वाला है, फटाफट से खोलते हैं। अबे कितनी लात मारेगा? एनीवे की मैं तो खोल ही नहीं रहा है, अबे तेज लात मार धमनी के तेरे में। और गाइस यार अब शिनचैन को मिल चुका है वाटर हैजर्ड, भाई साहब ये तो यार पानी का मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला है, पर ये देखो सरी भाई क्या ही मारे जा रहा है, इसकी शक्तियां तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये भी यार बहुत ही मस्त कैरेक्टर है। गाइस अगर आपको वाटर हजार्ड खतरनाक लगता है तो फटाफट से कमेंट में लिख दो वाटर हजार्ड ओपी, क्योंकि यार इसकी पावर्स तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये शिनचैन को मिल चुका है तो शिनचैन भी खुश होगा। एनीवे की मैं तो बहुत ही खुश हूं। हां मुझे पता है तो खुश होगा यार, एनीवे की मैं तो बहुत ही खतरनाक है, देखो मैं कितनी दूर दूर गाड़ी को फेंक पा रहा हूं। अरे हां हां ठीक है। तो गाइस अभी मैं खोलने वाला हूं बेंटन का बड़ा सा लकी बॉक्स, देखते हैं मुझे क्या मिलता है, सबको मस्त मस्त चीजें मिल गई और मुझे मिल गया फोर आर्म्स, वो भी अल्टीमेट वाला। तो गाइस यार मुझे मिल गया फोर आर्म्स, मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर जो लगता है वो ही मुझे मिल चुका है भाई, मैं तो सोच रहा था नॉर्मल वाला फोर आर्म्स मिलेगा पर ये तो अल्टीमेट फोर आर्म्स है। तो गाइस यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये तो। तो अभी हम सब के सब तैयार तो हो चुके थे पर हमारे साथ आ चुके हमारे बेंटन भैया जिन्होंने हमारे लकी बॉक्स दिए थे सारे के सारे, और अब हम सब के सब साथ में जाने वाले उस विल गैग से बच्चे से लड़ने के लिए, सारे के सारे एवेंजर्स तैयार है, हम भी तैयार है। तो गाइस यार वो हम आपको दिखाएंगे अगले पार्ट में। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। अगर आपको अगला पार्ट देखना है विल गैग से लड़ाई करते हुए सारे के सारे एवेंजर्स, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन और फॉलो कर लेना, वहां पे बैठ के मस्त मस्त बात करेंगे। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।